विजय जी है, विजय कुमार जिन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया है। जिसका मन हीरे जैसा है, आ जाओ। मयूर है, मयूर, मयूर ने अहम किरदार किया फिल्म में। आई थिंक अभिनेता इतने ही है ना, और तो किसी को मैं भूल नहीं जाऊंगा। इतने ही आए हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा डायरेक्टर हमारे अविनाश दास जी। अविनाश जी आप ही की बिरादरी के हैं, आप जानते हैं। और एक इनकी छोटी सी, मतलब इन्होंने लिखी है कहानी और इन्होंने मतलब डायरेक्ट भी करी है। और मैं एक छोटी सी बात इनकी बता दूं कि ये इन्होंने मुझे ये फिल्म की कहानी ये कहकर सुनाई थी कि ये ऐसी ऐसी कहानियां अनारकली आरा वाली है, खुश हो रही हूँ कि मुझे ऑफर करेंगे। अभी कहते अच्छा वो एक्ट्रेस कैसी होगी इस रोल के लिए? अच्छा आप पढ़िएगा, जरूर स्क्रिप्ट जरूर पढ़िएगा, बताइएगा कैसी लगी। पत्रकार भी ऐसा कर सकता है ना। और दूसरी खास बात इनकी कि इन्होंने अपना एक अपना खुद का किरदार एक लिखा है, ये जो है खुद रोहित शर्मा हमारी फिल्म म्यूजिकल है, और अगर संगीत कोई भी फिल्म कहते हैं कि वो डायरेक्टर की होती है, लेकिन पूरी टीम दरअसल उस फिल्म को बनाती है। स्वरा और बाकी सब लोगों ने इस फिल्म को बनाया है, और इस पूरी टोली में सबसे नाकाबिल आदमी मैं ही था। सारे काबिल लोगों लोग मुझे मिले से ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं जो एक बहुत बड़े प्रेम थे हमारी फिल्म के पीछे, रविंद्र रंधावा जी, जो कि हमारे हमारे कला निर्देशक आर्ट डायरेक्टर अश्विनी श्रीवास्तव जी भी हैं, जो रियलिज्म हमारी फिल्म में दिख रहा है वो सब उन्हीं की वजह से है। अश्विनी जी चले जाओ। रूपा चौरसिया जो कॉस्ट्यूम जो आपने अनारकली के लिए बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। मैं चाहता हूं कि अनारकली की एक आवाज भी यहां पे मौजूद है, पावनी पांडे, जिसने अनारकली को अपनी आवाज दी है कुछ गानों में। अभी लैला में लैला की वजह से आप उनको जानते हैं, पावनी आ जाओ। इनकी टोली से एक और लड़का है प्रेम, जो कि हारमोनियम बजाता था, वो भी यहाँ पे है, तो मैं उसको भी बुलाना चाह रहा हूँ। सब लोग थे जो करते थे, आज कभी खल नहीं थी मुझे, बिना ढोलक हारमोनियम कैसे बोलूंगा। और इस पूरी कहानी की कल्पना से लेकर के अभी तक एक लड़का साये की तरह हमारे साथ रहा है, जितेंद्र नाथ जीतू, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। और आज हमारी अनारकली नहीं होती, मेरा सपना ही रह जाता अगर संदीप कपूर नहीं होते। तो अब मैं वापस अनारकली और रंगीला को ये माइक देता हूँ। मुझे लगता है कि जो अगर कुछ लोग छूट गए हैं तो आप मनीष हैं, मनीष कपूर, फोटो कर लो, फोटो मनीष कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं हमारे। अरे मतलब होता क्या है ना कि आप जिसके साथ दिन रात रहते हैं सबसे पहले उन्हीं को भूल जाते हैं, और हमारी फिल्म में जितने भी गंदे गाने
इसको लिखने वाले, और मतलब इतना पूरी पूरी मेरी शख्सियत में मौजूद है कि मैं भूल ही जाता हूँ हर बार उनको। तो राम कुमार सिंह है, उन्होंने डॉक्टर 7 अप्रैल को इनके लिखी फिल्म सरकार 3 भी रिलीज हो रही है। तो मैं राम कुमार से माफी मांग सकता हूँ। और देखो यार कोई हो हम लोग उस सत्र की तरफ आएंगे जब कोई सवाल हुआ कि आप बैठे डॉक्टर साहब। हाँ, कास्टिंग बनी थी, हम चेयर्स लगा लेंगे यहाँ पे, कुछ कुर्सियाँ रख लें यहाँ पर, बट उस कैमरे में ओ दादा, स्टील खड़े होके लेना है तो फिर हम आगे आगे खड़े हो गए। मोबाइल इन हाउस वाला तो सर पे बैठेगा। अरे वीडियो के लिए मैं रुको, अविनाश जी क्या पे हमने ट्रेलर में बताया कि आप सच्ची कहानी के ऊपर बेस है, ये किसी एक की सच्ची कहानी है या अलग अलग कहानी को मिला के अपने? सर चेयर तो लग जाने दो। नहीं, बहुत सारी अनारकली हमारे इलाके में होती है, यूपी बिहार में, तो हमारी अनारकली में बहुत सारी अनारकलियों का कोलाज है ना, एक की कहानी नहीं है, बहुत सारी अनारकली है। उनको मिला के अपने एक कहानी बता जी। अभी किसी को कुछ सवाल पूछना हो फिल्म से संबंधित या ट्रेलर देखने के बाद, या आपने कुछ गलती की हो बिना स्क्रिप्ट के कर रहे थे पता नहीं तो? अरे स्क्रिप्ट थी यार, मुकम्मल पूरी स्क्रिप्ट थी यार, फिल्म में थोड़ी सी मेरी 10 मिनट पहले मुझे कुछ पता ही नहीं बोलना क्या है। हां सर, आपसे उसके लिए काफी प्रिपरेशंस की थी, आप आगरा गई उस किरदार में ढली, ये किरदार भी काफी डिफिकल्ट है, आपने कहा था कि ये मेरी आने वाला मतलब इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसके लिए क्या क्या तैयारियां आपने की? सबसे पहले तो मैं क्योंकि उन्होंने टाइटल में ही आरा शहर का जिक्र था, तो सबसे पहले तो मैं आरा गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा था, मैंने कभी मतलब मेरी कोई फेमिलियरिटी नहीं है इस दुनिया से, और मुझे पता ही नहीं था ये मतलब ये क्या है, ये क्या गाने होते हैं, क्या परफॉर्मेंसेज होते हैं। तो ऑफकोर्स अविनाश जी ने पहले मुझे बहुत सारे यूट्यूब लिंक्स भेजे जो मैंने देखे, ट्रांसलेट करने पड़े मुझे, और जैसे जैसे मुझे शब्द समझ में आ रहे थे वैसे मुझे लग रहा था कि अरे अरे किस चीज़ को हाँ कह दिया भाई मैंने, बट मैं आरा गई और मैं मिली ऐसी महिलाओं से जो ये काम करती हैं, मुन्नी ऑर्केस्ट्रा पार्टी है आरा में, जिसका अविनाश जी को बहुत पता है इस दुनिया के बारे में, इन्होंने ही बताया था उस जगह का पता, वहाँ जाके उनसे मिली, काफ़ी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैंने ऐसे शोज देखे, आरा में तो नहीं देख पाई बट मथुरा के आसपास कोसी कलान ऐसे जगहों में मैंने जाके ऐसी लड़कियों के शोज देखे, अपने
पिताजी के साथ जो दक्षिण भारत से हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थैंक गॉड. तो उनका ये भी कहना था, गर्ल्स आर वेरी कॉन्फिडेंट बट नॉट वेरी रिफाइंड, एंड आई वाज लाइक या दैट यू डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाई यू नो यू आर अप्रिशिएटिंग द कॉन्फिडेंस. बट हां, दैट वाज सम ऑफ द वर्क. उसके अलावा तो ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट अविनाश जी ने लिखी थी, तो उस पे काम किया थोड़ा बहुत. और ऐसे विख्यात कलाकारों के बीच में हमने वर्कशॉप भी किया था विजय सर के साथ, तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल, डिक्शन को लेकर, स्पीच को लेकर, एक्सेंट को लेकर, तो उसमें भी बहुत. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जो विजय सर के साथ उन्होंने बोला, हमने वर्कशॉप किया था, तो ये हमारे सीनियर है ड्रामा स्कूल के और मेरे गुरु हैं. मैं अभिनय सीखा इन्हीं के संरक्षण में, मार्गदर्शन में, काफी खटवाए भी हैं हम खुद. देखिए, दरअसल जब मैं एनडीटीवी में काम करता था तो नाइट शिफ्ट में जब कैब मिलता था तो एक घंटे देर से मिलता था वो, तो मैं बैठ करके, उस समय नया नया यूट्यूब आया था, 2006-5 की बात है, तो मैंने कुछ वीडियो देखे थे, तारा बानो फैजाबादी का वीडियो देखा था, बहुत ही हाईली इरोटिक गाना था, बहुत गंदा गाना था. तो उसमें 7 या 8 सेकंड के लिए तारा बानो फैजाबादी गाते हुए वो दिखती हैं, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मतलब बिल्कुल निर्भाव चेहरा. तो मुझे लगा कि कोई एक लड़की इतना गंदा गाना गा सकती है लेकिन बिना किसी भाव के, तो उसकी पूरी दुनिया में मेरी दिलचस्पी जो है वहां से पैदा होनी शुरू हुई. और फिर मैं मतलब बहुत सारी उस तरह की गायिकाओं को फिर मैंने सुना. फिर 2010-11 में एक इंसिडेंट हुआ था गया में, हमारे यहाँ की एक सिंगर है देवी, उसने जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने उनके साथ कुछ बदतमीजी कर दी थी फंक्शन में, और उसने स्टैंड ले लिया था, तो वीसी को रिजाइन करना पड़ा था. तो मुझे लगा इस कहानी को एक एक्सटेंशन मिला है, तो ये वजह थी. और दूसरी बड़ी बात ये थी कि संदीप जी से उस समय दोस्ती हुई थी मेरी, नई नई मनोज वाजपेयी जी ने करवाया था, तो जब इन्होंने कहा कि आपके पास कोई कहानी है, तो फिर मैं उस कहानी में और ज्यादा घुस गया. दुनिया में कोई अमरीश पूरी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, तो वक्त है जो ऐसा करा देता है. शौकीन मिजाज आदमी है, हो गई चीज हो गई, तो वैसा कोई अमरीश पूरी है ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा हो इंसान, हर कोई होता है ग्रे, हर एक कोई होता है, तो ये भी एक ग्रे है थोड़ा सा, जिसकी सजा उसको मिलती है. अमरीश पूरी वाला डायलॉग याद है यार. मेरा सवाल संदीप जी से आपसे है, जब डायरेक्टर साहब ने आपको फिल्म की कहानी सुनाई तो रवि कुमार, जब उन्होंने आपको कहानी सुनाई तो आपको क्या लगा कि फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहिए, और आपके जहन में क्या आया कि किस तरह से ये स्टोरी जो है लोगों के बीच, जनता को ये रिलेट कर पाएगी? अविनाश जी मेरे से मिले, जैसा कि इन्होंने कहा 2016-15 की बात है शुरू में, तो उन्होंने कहानी सुनाई, कहानी पे मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका एक ही लाइन पे जो मेरी जो गाना था जो मैं गा नहीं सकता, आज्ञा देंगे तो मैं गा दूंगा क्या, तो वो उन्होंने मुझे गाना सुनाया कि संदीप जी कहानी है, गाने वाले की कहानी है, जो सिंगर है और स्टेज पे गाने गाती है बट जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी, उसकी कहानी है, और वो इरोटिक गाने गाती है, तो इरोटिक वर्ड मेरे को बहुत अच्छे लगे. और जो उन्होंने गाना सुनाया वो आपको सुनाई देता हूँ. हरे हरे निम्बुआ कसम से गोल गोल, टनिक टोई के देखो राजा मनवा जाए डोल. मैंने कहा इज ब्रिलियंट, बट कहीं हम भोजपुरी फिल्म तो नहीं बना रहे हैं? कह रहे नहीं, इससे हिंदी वर्जन. तो वो जो गाना मैंने गया ऑडियंस को, एक हार्टलैंड से और एक छोटी दुनिया से, हर जगह की, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो आई थिंक आई शुड बैक अप दिस फिल्म, तो वहाँ से कहानी शुरू. जैसा आपने कहा कि जब आपको जब आपने फिल्म पढ़ी थी तो आपको नहीं समझ में आए थे वो जो डबल मीनिंग वर्ड्स और वो गाने हैं, बाद में आपको लगा कि सब समझती है ये ऐसे ही मार रही है
कोई इनहिबिशन या किसी मोमेंट पे कभी कोई इनहिबिशन लगा उनको डिपिक्ट करते वक्त या वो उनको उसको निभाते वक्त मतलब उन गानों को? नहीं, आई थिंक जब तक हम शूट पे आए थे तब तक तो चूंकि पूरी टीम साथ आ चुकी थी तो एक ट्रस्ट और एक फेथ तो था ही पूरी टीम में. बट एंड आई थिंक कि इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था संदीप जी से भी और अविनाश जी से भी कि जो भी हम लोग टीम बनाएंगे कि यू नो कुछ ऐसे भी लोग हों उसमें जिनके साथ मैंने पहले काम किया हो. मैं बहुत लकी थी कि आई मीन ऑफकोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ संजय जी बट आई डिडंट नो हिम पहले. बट पंकज जी का बहुत सपोर्ट रहा इस कर लिया था हमने निर्भटे है ना निर्भटे पहले हो चुकी थी निर्भटे शूट कर चुके थे हम. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल. रविंदर एक बहुत पुराने दोस्त थे मेरे somebody I trust very deeply. तो वो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थे स्क्रिप्ट लेवल से लेके फिर एसोसिएट डायरेक्टर पे. रोहित सर के साथ मैंने काम किया है पहले जो म्यूजिक कर रहे हैं. रूपा जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स करे बिकॉज इस जैसा कि अविनाश जी ने बहुत सही कहा कि इस फिल्म में बहुत लोगों ने ऐड किया है. ऑफकोर्स अविनाश जी की स्टोरी और स्क्रिप्टिंग और विजन अविनाश जी का डायरेक्शन उनका था लेकिन आई थिंक ये पूरी दुनिया को जागृत करने में बहुत सारे लोगों का हाथ हुआ है. एंड जब तक शूट पे आए हम लोग तो आई थिंक सब एक दूसरे को जानते थे अच्छे से तो एक फेथ था. हमने वर्कशॉप्स भी करे उसमें भी हमने आई थिंक विजय सर ने काफ़ी इनहिबिशंस को लेकर एक्सरसाइजेस कराए सो इट वॉज क्वाइट ऑल राइट. लेकिन थोड़ा सा आई थिंक संदीप जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ. सर वो जो एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट लाए थे आप गानों के दौरान थाने क्या वो अमरोहा जेल से आए थे क्या? जेब कतरे पॉकेट मार तड़ी पार कौन थे वो लोग? क्योंकि हम लोग जब शूट कर रहे थे गाने तो वो इतने खुश हो रहे थे और इतने एक्साइट हो रहे थे कि आई डोंट नो संजय सर को याद है जहाँ पे जब आप उठ के आते हैं उसके जस्ट पहले ना दरोगा की लाठी एक आर्टिस्ट मेरे कमर पे रख देते तो वहां से ही नो इस टाइप की कमेंट आती है हे चक्कू रख दूं मैं एंड आई एम लाइक तू से पढ़ा अपने मुंह पे पहले तो ये सब ही चल रहा था. सो आई थिंक दैट वाज मुझे लगा कि अरे वाह एकदम यू नो हम हार्टलैंड में काफी ओरिजिनल वाला काम कर रहे हैं. सो लेकिन उसके अलावा आई थिंक दैट आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन. नो सोरा द क्वेश्चन गोस टू यू. हार्टलैंड बिहार यहाँ पर शूट करने में खासी दिक्कतें भी आ सकती हैं स्पेशली जब आप यू नो इस किस्म के अवतार में हैं और फिल्म की सिचुएशन जहाँ जहाँ हो जहाँ जहाँ आपको ले जाए लोकेशन आपको जहाँ जहाँ ले जाए उस हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुकता में आ जाते हैं भावुकता के आवेश में आकर यू नो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं बोल देते हैं जो कभी यू नो संवेदनशील होती हैं. तो ऐसा कोई मौका आप लोगों के साथ आया या अगर आया तो उसे कैसे आपने डील किया उसके साथ? एक्चुअली ये सवाल संजय जी को जाना चाहिए बिकॉज संजय जी को देखकर ज्यादा ही उत्सुक हो रहे थे ऑडियंस और संजय जी के आई थिंक सारी फिल्में उन्होंने कुछ एक किरदार थे ना जो बाबू भाई हाँ उसके साथ बहुत खुश हो रहे थे. बट वी शॉट इन अमरोहा एक्चुअली दिल्ली और अमरोहा में and I just want to give kudos to production and Sandeep ji and his whole team because actually bahut crowds aate the shoot pe on a daily basis and they had to with a fairly limited team you know manage those crowds and despite that humne real locations mein shoot karna manage kiya hai. Kudos also to I mean all the AD team poor Jitu ne mujhe lagta hai matlab haatha pai par hi जीतू जी का हाल क्राउड मैनेज करते करते हो जाता था. रविंदर आल्सो ऑल द अदर एडीज एंड कूडोस आल्सो टू अरविंद सर स्वरा ने भी क्राउड कंट्रोल किया अरविंद सर. बट संजय जी शुड आंसर द क्वेश्चन अबाउट क्राउड की एक्साइटमेंट. वेस्टर्न यूपी बहुत कूल है शूटिंग के मामले में. मैं पहले बहुत डरता था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज या सब कुछ बहुत ही कूल है बहुत ही कूल है बहुत आराम के लोग होते हैं और थोड़ा एक्साइटमेंट तो होता है यार स्वरा भास्कर सामने स्टेज पे है तो लेकिन वो एक्साइटमेंट उछाल देता था छुट्टी रख दू मतलब मजेदार था यार और हमें अच्छे रिएक्शन मिले शूटिंग में ऐसे क्राउड के बहुत ओरिजिनल रिएक्शन थे क्राउड के बहुत ज्यादा ओरिजिनल और मतलब कि वो क्राउड जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे ना कि उनको मालूम है कहाँ पे ताली बजानी है कहाँ तो वो अपने ही टाइप के थे बिल्कुल. उनको लगता था बहुत मजेदार था क्योंकि वेस्टर्न यूपी अब इतनी शूटिंग हो रही है कि अब उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. बट एक अच्छा क्राउड अगर इस तरह का मिले तो एक्टर भी रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं
आपकी तरह क्राउड मेरे घंटा कुछ नहीं करता। अच्छा रिस्पॉन्स करता है, जैसे क्राउड कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करते हैं। और शायद उसने बहुत अच्छा पंकज और स्वरा, मैं तो स्टेज पे ज्यादा हूँ नहीं, तो अच्छा रिस्पॉन्स दिखा और अच्छा कुछ किया किया। क्यों पंकज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होली पे आ जाए। अरे सही बोल रहे हैं, बड़ा अद्भुत माहौल था। वो भी मजे ले रहे थे, चिल्ला रहे थे, आनंद ले रहे थे। जब ऑडियंस आनंद लेती है तो परफॉर्मर को भी आनंद आता है, चाहे स्टेज हो या शूटिंग हो। ब्रेक में सुना था, अरे खाले खाले सारे हीरोइन भी यही खा रही है, ये भी खा रही है। अरे मेरे का कैसी बात है, खाले खाले हीरोइन खाने पीने पे भी ना ये 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 खा रहे हैं खाना, आपके। कैसे निकाला आपने वो अपनी? मैं थोड़ा सा पंकज बोलेंगे, हम लोग साथ में थिएटर करते थे, तो मैंने एक नाटक इनका देखा था, भूकर का सुथरना, पटना में इन्होंने किया था। उसमें एक गाना इन्होंने, एक गजल गाया था। मैं चाहूंगा कि वो गजल आप गुनगुनाएं, क्योंकि उसी समय मुझे लगा कि ये आदमी जो है ना, ये एक्टर जो है यहाँ है और बॉलीवुड में अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो वो चीज मुझे लानी थी, मतलब फिल्म में इनके जरिए। तो इनमें बीच जो है ना बहुत पुराना है, एक बार आप सुनाइए जरा। माहौल नहीं है वो सुनाने का। इनको बहुत प्रभावित हो गए, आप लोग नहीं होंगे। नहीं नहीं, आप देखिए वो जगजीत सिंह की गाई हुई गजल है साहब, कौन नहीं प्रभावित होगा। गजल थी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो उसको मैंने प्ले में उसको, बिहार की का एक फोक फॉर्म है लोंडा डांस, जहाँ आदमी औरत बन के नाचते हैं, तो मैं उस गजल को जो अस्थाई भाव से गाई जाती है उसको मैं चौगुन में ला दिया था। चौगुन पावनी समझेंगे संगीत वाले लोग कि हम, तो वैसा कुछ था। तो वो ऐसी खास बात नहीं, सुनाई दीजिए लोंडा नाच तो आप वासेपुर से जानते हैं। हाँ निवासीपुर में किया नहीं था, उसमें तुम खूंखार बने थे। अरे नहीं नहीं अभी मेरी नहीं है वो, सुना देंगे इस फिल्म की से बात करते हैं ना। तो वही था मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मौका था कि मुझे बतौर एक्टर, अभी तक बाकी फिल्मों में लोग मुझे गुंडा बनते देखे हैं, अनिल भट्टे में मास्टर बनते देखे हैं, मैं नाच सकता हूँ, मेरे अंदर वो जो आपने फेमिनाइन क्वालिटी की बात की वो है, एक लौंडापना है। तो ये मौका था मुझे इस फिल्म में दिखाने का, वो आपको फिल्म देखेंगे तो दिखेगी। और हमारे साथ साथ और हमारे पास कुछ 20 ऐसे एक्टर थे जो बिहार से हैं, जो पटना से आरा से आए थे, जो अभी मौजूद नहीं है, और सबने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमरोहा से हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे रोल्स किए। टीम वर्क था और आनंद आया। सर वहाँ की जो अनारकलियाँ होती हैं, लोग उन्हें खाते पीते घर की पसंद करते हैं जैसे कहा जाता है उस तरफ, तो क्या आपको मशक्कत करनी पड़ी, आपको वेट वगैरह पुट ऑन करना पड़ा? या मैंने अनिल भट्टे में इतना वेट पुट ऑन कर लिया था कि वो चल रहा था, वो अनारकली तक वो वही वेट चलता जा रहा था। बट हां, आई वाज वेरी रिलीव्ड टू नो कि मुझे डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी इस फिल्म के लिए, तो ये एक अच्छी चीज थी। लेकिन ये भी अंदेशा नहीं हुआ था कि ऐसे घाघरा चोली पहन के इतनी ठंड में नाचना भी पड़ेगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं थी। क्योंकि हमने ये जो सारे सॉन्ग के सीक्वेंसेस करे, ये हमने हाँ मतलब जाड़ा एंड हाउ जाड़ा, आई थिंक 20 दिसंबर 10 से 20 दिसंबर के बीच में हमने शूट किए हैं वो, अमिक्स्ड फॉग एंड लाइक इट वाज लाइक नट्स। कई बार ऐसा होता था कि 3 बजे रात को गाने में, क्योंकि नाइट में एक सॉन्ग था, तो फॉग आ जाए, डीओपी बोले मैं नहीं करूंगा, तो हम बैठते थे कि एक आधे घंटे में हट जाए तो फिर चालू करें, ऐसी भी नौबत आई। अविनाश जो अनारकली के मतलब आने वाले लोग, तो वो उनकी मेंटालिटी फ्यूडल होती है, तो उस मेंटालिटी को भी आपने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है फिल्म में? नहीं मतलब ये बहुत लंबे विमर्श का मामला है, जब हम लोग बात करेंगे तो उस ऑडियंस का पूरा सामाजिक आर्थिक हील हवाल हम लोग निकालेंगे। लेकिन एक कल्चर है हमारी तरफ, जैसे एंटरटेनमेंट एक कल्चर है, आप सिनेमा देखते हो एंजॉय करते हो, उसी तरह ये सारी चीज़ें उस दौर की है जब सिनेमा नहीं था, जब टेलीविज़न नहीं था। अब उस समय बहुत दूसरे के ठुमरी दादरा के दौर में सारी चल रही थी, बाद में टेलीविज़न और सिनेमा पॉपुलर होने के बाद वो बिल्कुल फिल्मी माहौल वहाँ भी हो गया।
लेकिन आप 400 रुपए का टिकट दे करके सिनेमा देख पाते हो, पर आरा बिहार या इस तरह की बहुत सारी जगहों पे आप मुफ्त में जाकर के इस तरह के का मनोरंजन कर सकते हो। तो हमको ये कहना बहुत ही गलत लगता है कि वो सारे ऑडियंस जो है वो फ्यूडल मेंटेलिटी वाले लोग हैं, है ना, क्योंकि ऑडियंस की अपनी एक अपना एक अधिकार है अपनी सारी चीजें। स्वरा, यू नो, सो बेसिकली लास्ट ईयर देयर वर 216 मूवीज, जिसमें से 203 मूवीज नहीं चली, एंड द बिगेस्ट रीजन वाज बिकॉज़ दे डिडंट रीच आउट टू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया। दिस बीइंग अ मसाला फिल्म एंड दैट इज अ हार्टलैंड फिल्म एंड योर लास्ट फिल्म बीइंग अ सरप्राइज हिट, डू यू थिंक दिस विल एक्चुअली ब्रिंग इन अ बेस ऑफ ऑडियंस फ्रॉम दोस इंटीरियर रीजंस? वेल, आई होप सो। आई थिंक दैट दिस इज अ फिल्म दैट एक्चुअली इट एक्चुअली हैज एन अपील अक्रॉस सेक्शंस। Of course, the most obvious appeal of a film like this, you would think, is the heartland and the Hindi Pradesh. And if you speak in trade terms, then the B centers. But this is also a very exciting world that would create a lot of curiosity amongst an audience like yourself, amongst the multiplex audience, amongst an educated audience, amongst an audience that is increasingly becoming very aware and interested in stories that are not familiar to their world, and in stories of women. I think that that is also a trend that the Hindi film industry is seeing. So I think that actually this film has a very universal appeal, and I'm sure that Sandeep ji and his distribution team is quite aware of that in terms of where all they choose to release a film. But I will say that that the y'all as media and also the social media has done a lot of good for small films like this, because it has given us a platform of creating awareness and a buzz without having to invest. You know, we can't compete in terms of marketing budgets with the big fish of the industry, and that's a fact, and I don't think that's anything to be ashamed of. But the social media space and a certain kind of innovative marketing gives you the opportunity to be able to reach out to like a cross section of people. So yeah, and I've actually had heard responses from like very elite kind of people, and from like, you know, jo security guard bhaiya who have seen the film, and everyone is like, "Haan, bahut hi film hai, are super hit hai, hamare yahan ki hai." So it's, yeah, it does have a cross section appeal. Thank you. Do we have any more questions? No, thank you. Ek sawal, Swarav, matlab jo kaam Silk Smita ne Dirty Picture mein kiya wo kaam aur उतना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ये आपको लगता है अनारकली है इस फिल्म की? डेफिनेटली, आई थिंक दैट अनारकली, एंड मुझे ऑन रिकॉर्ड मैं अविनाश जी को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत खुशकिस्मती की बात होती है और बहुत रेयर बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के करियर में कि ऐसा एक किरदार मिल जाए जो इतना जिसमें इतना कुछ है और जो इतनी अपॉर्चुनिटी दे एक्टर को। मेरा मानना है कि अनारकली ऑफ कोर्स मेरे अब तक के छोटे से करियर की सबसे मुश्किल फिल्म रही मेरे लिए एज अ कैरेक्टर, बट ऑल्सो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हमारे दौर की अमंगस्ट द ब्रेवेस्ट फिल्म है अनारकली। मोस्ट इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, एक एंटरटेनिंग तरीके से एक बहुत ही ब्रेव कहानी ये कहती है, क्योंकि लाइक सिल्क स्मिता's केस, अनारकली इज नॉट अ बेचारी नहीं है, एक सिंपथेटिक कैरेक्टर नहीं, मतलब उसके साथ सिंपथाइज करना उतना आसान नहीं है। वो कई ऐसे मौके आएंगे फिल्म में जहां वो आपको आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब हद ही है, यू नो, स्पेशली तो वो मुझे लगता है ना अविनाश जी, उन्होंने मतलब उनकी पहली फिल्म लिखी है उन्होंने, आई मीन आई थिंक रियली कंग्रेचुलेशंस टू हिम टू हैव अनलॉक्ड सच अ वर्ल्ड एंड सच अ कैरेक्टर एंड एवरीवन एल्स। आई जस्ट वांट टू, इफ यू डोंट माइंड, हैव रूपा, रोहित सर, अश्विनी जी प्लीज योर रविंदर जस्ट कम एंड गिव अ लिटिल बिट ऑफ कमेंट, बिकॉज आई रियली थिंक दैट दे हैव, यू नो, इन इस दुनिया को क्रिएट करने में दे हैव रियली एडेड, सो इफ दे कुड कम एंड शेयर अ लिटिल बिट ऑफ हाउ दे वर्कड ऑन दिस। रोहित सर एकदम मतलब ऐसे जगह पे जाके बैठ गए हो कि इनको लग रहा है कि अब शर्मा से बहुत चलिए चलिए प्लीज। एंड रामकुमार जी जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गंदे गंदे गाने लिखे, रविंदर एंड रामकुमार जी ने दो सबसे डबल मीनिंग वाले गाने लिखे हैं। रूपा, अश्विनी सर इफ इज योर स्टैंडिंग इतना अच्छा रिदम बनाया था इन्होंने ना, वो गाने में हम बिना कुछ किए नाचने लगते थे। तो गंदे गाने तो रामकुमार जी ने लिखे, इसमें मेरा कोई हाथ छोड़ नहीं। रोहित सर एक मिनट, नहीं, एक बुक लाइन दी आपने मुझे
लगता है। नहीं वो तो वैसे निकल आती है, बट ये है कि इस फिल्म पे मतलब मैंने इतना ज़्यादा फोक जैसा काम कुछ किया नहीं था। इससे पहले मैंने जो फिल्म की थी वो शिप ऑफ थीसियस, बुधाई ट्रैफिक जैम, काफ़ी अलग जोन की फिल्म थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बिहार का हार्टलैंड है उसका म्यूजिक जो है करने का मुझको मौका मिला। तो मुझे अविनाश जी ने काफ़ी अच्छे से ब्रीफ किया था और काफ़ी सारे गाने सुनाए थे वहाँ के, काफ़ी गंदे गंदे गाने, तो हमने वही कोशिश की कि जरा वैसे गाने बनाए जाए। आपको सर वो उस तरह के गाने मुझे वही सबको यूट्यूब लिंक भेज रहे थे तो मुझे लिंक देने मेरी मदद की, मैं राजस्थान से हूँ नहीं मैं इसलिए जानना चाह रहा था ऐसे गाने तो मैंने राजस्थान में भी सुने, भाषा ही तो बदल गई। लोगों ने बहुत मदद की, रोहित सर ने ऑलरेडी बहुत काम किया, रोहित सर एक बहुत काम कर चुके थे म्यूजिक पे और मैं मेरे ख्याल में सबसे आखिर में जुड़ने वाला गीतकार था क्योंकि ये लोग ऑलरेडी सारे अच्छा अच्छा माल सब तैयार कर चुके थे, सारी डबल मीनिंग एग्जॉस्ट कर चुके थे, नींबू टमाटर सब हो चुका था। इसलिए मैंने एक्चुअली वैसे गाने नहीं लिखे, मैंने लिखी है और एक क्लाइमेक्स का गाना जो लिखा है और एक बहुत रेगुलर से मतलब रेगुलरली लेकिन ठुमरी में एक्चुअली म्यूजिक इस फिल्म की हाईलाइट है। जब भी म्यूजिक रिलीज होता है और आप देखेंगे तो बड़ा एक वेरिड कलर मिलेगा आपको, एक तरफ बहुत ही क्लासिक ठुमरी है फिल्म में, बहुत ही एक फोकिश गाने भी हैं उस तरह डबल मीनिंग के गाने भी हैं और एक बहुत क्या उसको बॉलीवुड का गाना बोला जा सकता है सोनू निगम वाला, बहुत एक कंटेम्प्रेरी गाना भी है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी, बहुत एक वेरिड कलर्स है। जैसे अनारकली पूरे नैरेटिव का काफ़ी वेरिड कलर है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, वैसे म्यूजिक का भी इनफैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू थैंक यू। सो कॉस्ट्यूम एक्चुअली जब सौरभ ने मुझे कॉल किया कि पहली फिल्म है और इसका कॉस्ट्यूम करना है एंड फर्स्ट मीटिंग में अविनाश जी से जो ब्रीफ भी मिला था तो ब्रीफ ऐसा था कि परफॉर्मर है और आरा से है और बहुत सा मतलब बहुत सेक्सी भी है लेकिन वो लेवल मेट्रो हाँ सो हमारे जो एक्टर्स हैं वो बड़े मतलब वर्सेटाइल टाइप के पर्सनैलिटी है और मैंने सौरभ के साथ पहले काम किया हुआ है तो इतना डिफिकल्ट नहीं था थिंकिंग अबाउट स्वर, बट जब हमने लुक टेस्ट किया और ट्रायल किया तो वो जो टैकी पर्सनैलिटी लाइक हर शी यू नो वट एवर यू लाइक गिव हर शी जस्ट ट्रांसफॉर्म्स, सो इफ यू गिव हर वेस्टर्न हर लुक चेंजेस, इफ यू गिव हर इंडियन हर लुक चेंजेस इन डिफरेंट वेज।